नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप इन 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेणु बाला गुप्ता पहुंची हैं और करनाल के गांधीनगर इलाके में, जहां पर लोग जो है उनका स्वागत करते हुए तस्वीरों में। और जिस तरीके से लगातार जो चुनावों का जो कैंपेन है वो लगातार जारी है, और देख सकते हैं यहाँ पर गांधीनगर इलाके में पहुंची हैं, लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि बता दें, विधानसभा चुनावों को लेकर भी जो सुमन सैनी है वो भी लगातार जो है सुबह से शाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें लगातार जो है पहुंच रही हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर पहुंची हैं मेयर रेणु बाला गुप्ता, जो कि एक किस तरीके से यहाँ पर अभी लोग उनका स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। और बता दें तो 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव और साथ साथ जो लोकसभा के जो चुनाव हैं उनको लेकर लगातार रोज जोश दिखा दो मेरी बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, शाबाश, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पता लग रहा है कि यहाँ पे हर छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग तक कितना जोश है, जो हमारे हरियाणा में, हमारे करनाल में भगवा लहराने को तैयार है। वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेयर श्रीमती रेणु बाला जी गुप्ता जो आपके बीच में उपस्थित हैं, यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भूको 10 सालों से लगातार आपकी सेवा में समर्पित हैं, और जो इनके द्वारा किए गए कार्य गली गली घर घर शहर शहर में दिखते हैं। हमारी मैडम रेणु बाला जी को यहाँ पहुँचने पे गांधीनगर की सभी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री अमर ठक्कर जी पहुंचे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती मीनाक्षी विंडर पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा करनाल, श्रीमती रजना रजनी परोचा जिला उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद वार्ड 16। देख सकते हैं कुछ बच्चे भी यहाँ पर सुमन सैनी जो है उनके पहुंचने से पहले यहाँ पर श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय। आप देख सकते हैं सुमन सैनी पहुंच चुकी हैं गांधीनगर करनाल में और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख सकते हैं गांधीनगर करनाल में सुमन सैनी जो है वो पहुंच चुकी हैं, साथ में जो मेगा भंडारी है वो भी यहां पर पहुंची हैं, रेणु बाला गुप्ता यहां पर पहुंची हैं। और लोग भी देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पर उनके स्वागत के लिए पहले से यहां पर श्रीमती सीमा पासवान जिनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती गीता परोचा जी हमारे बीच में है, जिला उपाध्यक्ष करनाल श्री राकेश दावरा जी, जिला सभा के सदस्य श्री ओम प्रकाश गिरधर जी, लाल बाबू जी, अनिल जी, श्रीमती अलका चौधरी उपाध्यक्ष श्रवण मंडल, श्रीमती मीनाक्षी विंडर पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा करनाल, श्रीमती रजनी परोचा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद वार्ड 16 से। हमारे बीच में श्रीमती मंजू खैची जी जिला सचिव, श्रीमती अपने चरण रखेंगे, ये तो हमारे नायब सैनी जी जिन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और पार्टी में अपना पूर्ण रूप से दायित्व निभाया, जिसे देख के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उनको एक दायित्व दिया,
हरियाणा प्रदेश की, और दायित्व देने के बाद उन्होंने हमारे बीच में आज विधायक के रूप में चुनाव के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी आशीर्वाद देने के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इनको आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम लेट हो रहा है। मैं सभी सभी आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत करते हुए, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पर स्वागत कर रही हैं। गांधीनगर इलाके की तस्वीर है और देख सकते हैं कि उपचुनाव है उनमें इस तरीके से यहाँ पर लगातार जो कैंपेनिंग में जो है सुमन सैनी सुबह से शाम जो है कई कार्यक्रम में लगातार जो है पहुंच रही हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को कराया, बहुत भव्य कार्यक्रम है। मिसिज कीमतीलाल जी, मिसिज विजय यादव जी, मिसिज रंजीत पंडित जी, मिसिज अजय यादव जी, मिसिज दिनेश जी, आप सबको स्वागत कर रहे हैं। देख सकते काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर स्वागत के लिए गांधीनगर इलाके में जो है वो पहुंच रही हैं। और मेरे मैडम इधर अनिता, देख सकते हैं मेयर रेणु बाला गुप्ता, उनका भी यहाँ पर स्वागत जो है महिलाएं करती नजर आ रही हैं। परंतु 50 साल में यहाँ पे 2014 के बाद यहाँ पे सही प्रकार से बिजली का प्रबंध हुआ, इस सड़क पे इंटरलॉकिंग लगे, यहाँ गलियों में पानी की व्यवस्था ठीक हुई, इस गलियों में सीवर की व्यवस्था ठीक हुई, और ये सारी बात जो जाता है श्रेय हमारे बीच में श्रीमती रेणु वाला जी गुप्ता जो यहाँ की बेटी भी है और बहन भी है सभी गांधीनगर वालों की, ठीक है ना। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे कर्मठ ऐसे कार्यकर्ता जो कि यहाँ मेयर के पद पे बैठे, जिनके द्वारा वार्ड 20 का जो विकास हुआ है, देखिए अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है लेकिन मैं अपने वार्ड 20 की बात करूंगा। वार्ड 20 में इन्होंने सबसे पहले बनते ही एक रामनगर शिवपुरी है उसके सामने पार्क बनवाया इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जैसे ही आए तो इनके द्वारा कर कमलों द्वारा वो पार्क बने। उसके बाद ये सूर्य मंदिर का जो घाट देख रहे हैं आप, इस पे 5 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबी दूर तक नहर के पटरी पे इन्होंने घाट बनवाया। इस पे बैसाखी का त्यौहार होता है, इस पे पूर्णिमा का अमावस का त्यौहार होता है, शहर के जितने भी फंक्शन है, जितने भी त्यौहार हैं जो गंगा यमुना में जाए जाते हैं वो त्यौहार करने के लिए यहाँ आते हैं, और खास तौर पे सबसे छठ पर्व का जो त्यौहार है जिसमें 5 किलोमीटर लंबी दूर तक इस घाट से भी निचले नदी के पानी से लेके और ऊपर तक सारे डाला भर जाता है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख पब्लिक यहाँ आते हैं छठ पूजा करने के लिए। तो ऐसी देन हमारे श्रीमती रेणु वाला जी के द्वारा दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान मनोहर लाल जी के द्वारा दिया गया है। मैं आपको बताऊं, इनके बनते ही यहाँ पे 10-10, 12-12 फुट के पोल थे बिजली के और जर्जर तारे, इन्होंने आए हर तीसरे दिन शिकायत रहती थी कि यहाँ तारे गिर जाती है, इन्होंने आते ही सभी को केबल लगवा के और यहाँ लोगों को सुरक्षित करने का काम किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है कि कार्यक्रम आगे और भी है। मैं श्रीमती रेणु वाला जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आप अपनी वाणी से कहें और उसके बाद सुमन जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी वाणी से सभी को संबोधित करें और वोट मांगें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बालाजी जो लगातार मेरे साथ चल रहे हैं और लोग बड़ी चर्चा करते हैं इस बात की, ते हैं वो करके प्रोग्राम की आयोजक बहन सीमा जी, बोलो जी, पता क्या है, एक बात बीच में बोल लूं, ये मेरी माता शक्ति और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों और पत्रकार छायाकार बंधु, आप सबका इस चुनावी सभा में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। बहन भाइयों लगातार आप लोगों के बीच में हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं,
कि एक एक वोट आप यहाँ से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हमारे मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जितवा कर आप एक कमल का फूल सबसे बड़ी लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर भेजे और दूसरा फूल आपका विधानसभा के अंदर जाएगा। आपके यहाँ से दो दो वोटें पड़ेंगी, दो मशीनें लगेंगी और दो वोट पड़ेंगी, एक लोकसभा की और एक विधानसभा की। तो इसलिए सबने दो वोट डाले, दो कमल के फूल खिलाने हैं। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे काम की, काम बहुत किए हैं और मोदी जी ने गारंटी पे काम किए हैं। मोदी जी ने ऐसे काम नहीं किए, हमारी 10 वर्षों की सरकार सेंटर की रही है, 9.5 वर्षों की सरकार हमारी हरियाणा के अंदर बेदाग छवि की सरकार चली है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही लक्ष्य है, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का विकास करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला कि मैं छोटे परिवार से आता हूँ और छोटे छोटे काम करूँ, और छोटे छोटे मेरी बहनों काम किए, बहनों को लखपति दीदी बनाया, ड्रोन दीदी बनाया, उज्ज्वला योजना देकर आप लोगों को सिलेंडर दिया, 24 घंटे लाइट दी, घर घर शौचालय बनवाया। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, हर गरीब व्यक्ति को बैंक से जोड़ा ताकि आपकी जो पेंशन आती है, आपकी जो सैलरी आती है, जो आप लोग कमाते हो, ताकि वो बैंक के अंदर आप उसको सेव कर सकें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, गरीब का बेटा है भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जो कहता है वो कर दिखाता है। समय का अभाव है, बातें बहुत सी हैं, तो आज कोई भाषण देने के लिए नहीं आई, आज तो आपकी बेटी बहन आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आई, आप लोगों से वोट मांगने के लिए आई। आप लोगों की एक एक वोट यहाँ से मनोहर लाल जी को डलेगी और उनकी शक्ति, उनकी सीधे सीधे वोट आपकी नरेंद्र भाई मोदी जी को जाएगी। और इसी तरीके से आप सब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, अपने लाडले भाई लाडले बेटे नायब सिंह सैनी को आप लोग बटन दबाओगे कमल का फूल, वो शक्ति उसको चंडीगढ़ में मिलेगी। जो नवे नए मुख्यमंत्री बने हैं ना आपके, उनको आपकी सेवा करने का मौका मिला। और कहते हैं कर्ण की दानवीर कर्ण की धरती ये करनाल ऐसी है कि जहाँ एक बेटी ने जब भी आप लोगों से कुछ मांगा उसको खाली ले जाने दिया। तो इसलिए आज ये बेटी आप लोगों से मांगने के लिए आई कि आप वोट दें, सेवा का मौका दें। और एक बात तो आप लोगों के बीच में जा कह के जा रही हूँ कि हर जगह पे नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल जी और सुमन सैनी नहीं पहुंच सकते, हर जगह मोदी जी नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपने हर घर के घर में जाना है और एक ही बात बोलनी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राम राम लेके आए, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की राम राम लेके आए, आदरणीय अमित शाह जी की राम राम लेके आए और आदरणीय मनोहर लाल जी की राम राम लेके आए। और आपके बेटे, आपके भाई नायब सिंह सैनी और सुमन सैनी की राम राम लेके आए और आप लोगों ने वोट कमल के फूल पर डालनी है। ये संदेश लेके आप हर घर में जाइए, ये संदेश लेके आप हर नगर में जाइए, ये संदेश लेके हर गली में जाइए, ये संदेश लेके हर मोहल्ले में जाइए, हर वार्ड के अंदर जाइए। मेरे बहन भाइयों, राष्ट्र हित के निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देखा, इसको साकार करने के लिए आपकी वोट का डालना बहुत जरूरी है। कई बार सोच लेते हैं कि हमारी वोट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है जो 5 साल बाद आता है,
सारे काम रुक जाते हैं जब ये चुनाव आता है, और सब काम छोड़ के सारे मंत्री, MLA, MP, पार्षद, मेयर सब चुनाव में लग जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने वोट डालने जरूर जाना है। तो आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आई, आप सब यही यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय महाराज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी जो है लोगों से वोट्स की अपील यहां पर कर रही थी, और देख सकते हैं लोग जो है उनसे लगातार मिलने भी यहां पर आ रहे हैं। और तो अभी फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं गांधीनगर की, और फिलहाल कुछ विधानसभा के चुनावों को लेकर। और आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।